कृष्ण की नगरी मथुरा से हमारे बीच में नौजवान पीड़क है, एक ऐसा कवि जिसने पूरे दुनिया में अपनी कविताओं से एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। इटावा, सैफई, लखनऊ तमाम महोत्सव में उन्हें आपने सुना है। चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं और देखता हूं आपका दुलार उन्हें कैसे आमंत्रित करता है। बंद दरवाजे कौन खोलेगा, जहां हथेली पे कौन तोलेगा, आज जब झूठ सच पे हावी है, हम न बोले तो कौन बोलेगा। जोरदार तालियां मनवीर मधुर के लिए। आए मनवीर। और अब ये विद्यालय है और मैंने मनोज को बताया था कि जब मैं पढ़ता था और कोई गलती हो जाती थी तो मास्टर साहब कहते थे कि 40 बार लिख के ला। मैंने हो सकता है पिछली बार कोई गलती कर दी हो तो दोबारा फिर बुला लिया। अभी 38 टाइम बाकी हैं, तब तक तो मैं ही आऊँगा। बहुत अच्छे मनवीर, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये बाहर से जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं, हरियाणा से, हरियाणा ऐसा, हरियाणा वैसा, हरियाणा कुछ नहीं, यूपी में आके पंगे मत लिया करो। और यूपी में खास तौर पर इटावा में तो बिल्कुल ही मत लेना। आदमी की छोड़ दो, देवी देवता डर के भागते हैं हमारे यहाँ से। वो एक बेचारा आया अभी, सज्जन शुक्ला, बोले साहब राखी बंधवाने क्या देवलोक जाओगे। भाई सृजन, लखनऊ से आए हो इतना तो पता होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में केवल यूपी है जहां बहन जी भी हैं। हो क्या, ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ। हमारे पास सुविधाएं सब हैं। ये कह रहे थे कि वो कुछ ऐसा कर दो, मेरी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। तो भाई बीवी किसकी, हरियाणा की वो भी है, है ना। लेकिन मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ, ये आदमी जितनी बीबी पे बोल के गया है, पहली बार जब ये शादी करने गए तो हुई नहीं। ये वाक्य ये कभी नहीं बताते, मुझे पता है क्योंकि मैं भी गया था। हुआ ये था, जब ये दरवाजे पर गए, घुड़चड़ी होनी थी तो घोड़ी बिदक गई और घुड़चड़ी नहीं हुई। बहुत व्यवस्था की लेकिन नहीं बनी, तो फिर कार चढ़ी हुई। जब बरमाला पढ़ने का वक्त आया तो दुल्हन ने मना कर दिया, बोले इसके माला नहीं डालूंगी। तो माँ तनाव में आ गई, बोले बेटा कोई बात थी, पहले बताती, अब एंड टाइम पे तू बताएगी तो ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बोले बेइज्जती क्या हो जाएगी, मैं नहीं डाली इसके माला, पहले कोई बात ही नहीं थी। तो पिताजी ने समझाया, बेटा कोई बात थी तो बताती, अब सबके सामने बेइज्जती क्यों करवा रही है, बरमाला क्यों नहीं डाल रही। बोले पापा जी आप भी नहीं समझते, जो लड़का एक घोड़ी नहीं संभाल सकता। आगे की बात समझ में आई। आके यहाँ पे ऐसा वैसा, देखो क्या है, मैं हरियाणा भी जानता हूं और यूपी से हरियाणा कितना परिचित होगा ये तो पता है। ये तो तुम्हारी समझ में तभी आ जानी चाहिए जब कृष्ण ने यूपी में बांसुरी बजाई और बांस बजने का नंबर आया तो वो खुद हरियाणा निकल लिए। तो हमसे ज्यादा विद्वान कोई है क्या। बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़े अपने इलाके में क्यों किए जाएं। लेकिन मैं ये बताना ये चाहता हूं, ये हर जगह जाके कहते हैं हरियाणा मस्त है, बाबा मस्त हम हैं। हमें आके पूछो, यहाँ इटावा की तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तीन लोग पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का और एक इटावा का। अच्छा क्यों हो नहीं सकता है? तो जब वो यात्रा कर रहे थे, काम कुछ था नहीं भाई, जहाज में क्या काम होगा। तो एक ने कहा, वो ऐसा है मछली पकड़ते हैं, तो जाला फेंक दिया, जाला फेंका तो उसमें कुछ फंसा, निकाला तो उसमें चिराग निकल आया। तो पाकिस्तानी जोश में आ गया, बोले ओहो चिराग मिला है, इसे घिसो जिन्नात प्रकट होंगे। उसने जोश में घिस दिया, घिसा तो जिन्न प्रकट हो गया। बोले आका आपने मुझे आजाद किया, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, मुझे काम बताते रहिए, व्यस्त रहा तो ठीक काम करता रहूंगा, लेकिन अगर फ्री हो गया तो मार के खा जाऊंगा। वो डर गया, उसकी समझ में नहीं आई। अब वहां कुछ समझ में नहीं आया, काम क्या बताए, तो उसने जेब में से पेन निकाला, सागर में फेंक दिया। बोले इतना बड़ा सागर, इतना छोटा पेन कहां से ढूंढ के लाएगा। वो 5 मिनट बाद ढूंढ लाया, परिणाम तो जानते ही हो, मार के खा गया उससे। फिर वो अमेरिका वाले की तरफ घूमा, बोले बताओ, तो वो भी हड़बड़ा गया, समझ में नहीं आया क्या करें। तो कोट की पिन में, कोट की उस पर पिन लगी हुई थी, तो उसने पिन निकाले के फेंक दी। बोले पेन तो बड़ा था, ये पिन इतना कैसे समझ में आएगा। पर 10 मिनट बाद उसे भी ढूंढ लाया, उसे भी मार के खा गया। फिर वो इटावा वाले की तरफ घूमा, बोले हाँ
इटावा वाले ने कहा देख मुझसे पंगा मत लेना, बोले बात नहीं करनी है काम बताओ। तो उसने निकाली जेब से डिस्प्रिन फाड़ी और गोली निकाल के सागर में फेंक दी, बोले तेरा बाप भी ढूंढ ले तो लौट के आ जाना। मैं एक दृश्य आपको याद कराना चाहता हूं, हो सकता मैंने पहले बोला हो लेकिन इस समय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूं। आपको याद होगा कि मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ, एक शहीद हुए थे उन्नी कृष्णन, उनका शव पैतृक गांव में पहुंचा, पिता का मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, पिता ने आक्रोश में कह दिया कि मुझे राजनीतिक सहानुभूति नहीं चाहिए, राजनीति अगर इतनी ही बेहतर होती तो देश को यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। मुख्यमंत्री ने बाहर आकर मीडिया को बयान दिया कि वो तो ये शहीद हुआ इसलिए मेरा आना यहां हुआ, वरना यहां तो कुत्ता भी नहीं आता। राजनीति की भाषा अगर पिछले 68 वर्षों में ये हो गई तो हमसे अपेक्षाएं क्या रखते हैं कि हम क्या बोलें? और कोई राजनेता खड़े होकर ये बोल जाएगा कि वो तो शहीद हुआ इसलिए आना हुआ वरना कुत्ता भी नहीं आता, तो मुझे लगता है कि उनसे नहीं कहना लेकिन आपसे कह सकता हूं। मैं चार पंक्ति आपको समर्पित कर रहा हूं, जवाब देता हूं, सुनिएगा। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और दावा है मेरा एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जिया होगा तो कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा, तो मुझे तालियों के साथ बताना कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं।